क्या प्रोग्राम था, क्या मीटिंग, किस एजेंडे को लेकर? ये मीटिंग जी हमारी, हम सभी जो मेंबर हैं उनको केवल मांगों का आश्वासन दिया जाता है। हम इस आश्वासन के चक्कर से बाहर निकलना चाहते हैं और धरती पर काम कब हो हम अपनी जनता को जवाब दे पाए, इससे संबंधित हमारी मांगे हैं। और हम चाहते हैं केवल हमें आगे भी आश्वासन न दिए जाए, केवल हमारी जो मांगे हैं उनको पूरा तक किया जाए। डेढ़ साल पहले सर्वसम्मति से आपकी इसका पंचायत समिति का गठन हुआ था, तो आपका अभी तक कोई काम नहीं हुआ है, क्या ऐसी विडंबना हुई नजरअंदाज भी किया जाता है? और कई बार क्या होता है, एक मांग को झुठला करके दूसरी मांग को कह दिया था आप अलग मांग करें, ये काम हम नहीं कर सकते हैं, ऐसी मांगे हमसे तो बार बार करवाई जाती है। आपका क्या नाम है, कौन सा वार्ड किया? मेरा नाम पवन कुमार है जी, मेरा वार्ड नंबर 25 है और गांव वालों ने बहुत उम्मीद से मुझे वोट दिए थे, शिक्षित समझ के वोट दिए थे ताकि मैं उनके गांव के जो विकास मांगों को ज्यादा से ज्यादा उनके सामने रखूंगा और गांव में कुछ अच्छे सुधार करके आऊंगा। तो ऐसा है सर, जैसे अब जब से हमने तय किया था ये मीटिंग करने के लिए, तो तब से हमें क्या है फोन आने शुरू हुए हैं और हमें एक अलग आश्वासन दिया जा रहा है जिसमें कह रहा है आपका काम एक दिन में, दो दिन में, परसों या कब तक शुरू हो जाएगा। तो ऐसे आश्वासन सर हम पहले भी बहुत सुन चुके हैं और आगे भी ऐसे आश्वासन पर कैसा विश्वास करें या क्या कुछ गारंटी होगी, ऐसा तो कुछ तय नहीं है। हम चाहते हैं अभी हमारी मांगों को ऊपर तक पहुंचाया जाए और ये जो सरकार कहती है अभी हम भ्रष्टाचार रोधी सरकार है तो उनको ये बताया जाए भी क्या ये भ्रष्टाचार नहीं है, क्या इस प्रकार से जो झूठे आश्वासन दिए जा रहे हैं ये भी क्या भ्रष्टाचार का हिस्सा नहीं है। मुकेश कुमार, गाँव बकरियावाड़ी, वार्ड नंबर 3। मुद्दा ये है जी, हमारा कोई काम नहीं हो रहा है, ठीक है, हम पहले काम लिख के दे चुके हैं, जो दोबारा लिख के देते हैं तो बोलते हैं अभी पहले बार जाने दो, अगला काम लिख के दो, ठीक है, आश्वासन झूठा आश्वासन दे रहे हैं। क्या शुरुआत जब गठन हुआ था क्या कुछ आश्वासन आपको दिए गए? आश्वासन तो बहुत बड़ा दिया गया था, बहुत बड़ा दिया गया था, वो सभी को पता भी है। फिर भी आप बताओ, आपको तो क्योंकि लोगों ने सुने होंगे, आप तो उस मीटिंग में थे, क्या कुछ आश्वासन था, उस पे कितने आश्वासन पे खरे उतर पाए? बिल्कुल खरे नहीं उतरे जी, मेरे गाँव में एक रुपए का काम नहीं हुआ अभी तक, सिर्फ एक साइनिंग बोर्ड लगा है और कोई काम नहीं हुआ है। तो अब क्या मांग करते हैं? मांग ये करते हैं अभी हमारा काम हो, हम जो काम देते हैं लिख के वो हमारा काम होना चाहिए, मांग यही बस। कई ब्लॉक मेंबर है उनके दो दो तीन तीन काम, चार चार पांच पांच काम भी हो चुके हैं, हमारा कई बंदों का तो एक काम नहीं हुआ है, हमें झूठा आश्वासन दिया जा रहा है अब काम 10 दिन के बाद हो जाएगा, 5 दिन के बाद हो जाएगा, वरना कुछ है नहीं। मेरा नाम रामनिवास है, वार्ड नंबर 27 है मेरा। आज का एजेंडा हमारा ये था, जितने भी ब्लॉक में मेरे इकट्ठे हुए हैं, कि हमें झूठा आश्वासन दिया जाता है, हमारा अभी तक कोई काम नहीं हुआ है, जब भी हम बोलते हैं तो ये कहते हैं कि 10 दिन या 15 दिन के अंदर अंदर आपका काम शुरू हो जाएगा, बल्कि हमारा काम होता है नहीं, कभी फोन करते हैं कभी भी, तो यही बात हमें कहते हैं। गाँव के अंदर जितनी भी सार्वजनिक जो भी समस्याएं हैं छोटी से लेकर बड़ी तक हमने सभी लिखी दे चुके हैं, बल्कि काम होता नहीं हमारा। क्या वजह मानते हैं क्यों नहीं हो रहा है, क्या कारण है, क्या आश्वासन आपको दिया जाता है? आश्वासन तो साहब उसको चेयरमैन साहब ये बोलते हैं, कभी भी फोन करते हैं कि हमारे भी ऊपर है कोई, वो हमें काम करने नहीं देते। अब ये पता नहीं उनके ऊपर है कौन, जिसके काम जिसके दबाव में वो उन्हें काम करने क्यों नहीं देता था। तो अभी अभी तक आपके गाँव में कोई काम हुआ है? अभी तक कुछ भी काम नहीं हुआ है, छोटा सा काम हुआ है कोई 2022 फुट पाइप थी, पाइपलाइन जो पीने की वो दबी है प्लास्टिक की। तो यहाँ इकट्ठे हुए हैं, क्या फैसला लिया गया है आपकी, अगर सुनवाई नहीं होती है तो अगला स्टेप क्या होगा आपका? अब देखते हैं साहब, अगर हमारी सुनवाई नहीं होती है तो आगे जो भी ब्लॉक में मेरे कट निर्णय लेंगे हम उसमें सहमत है सभी। कितने मेंबर है आप अभी इस विरोध के अंदर? आज तो लगभग 8-10 मेंबर आए हैं, एक दो मेंबर अभी बाहर है, बाकी हम यही है। मेरा नाम विकास दोहन है, गाँव जोगी वाला, वार्ड मेरा 17 नंबर है। हमारे मांगों को लेकर ये एजेंडा मीटिंग रखी गई थी कि हमारी कभी भी मांगे पूरी नहीं होती है, वादे तो बहुत बड़े बड़े करते हैं, शुरुआत में भी हमें जब बरगलाया गया हर मेंबर को कि 1-1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे अगर आप सर्वसम्मति से चेयरमैन चुनते हो, तो उसमें पूरे के पूरे मेंबर खड़े भी उतरे, सर्वसम्मति से चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की नियुक्ति करवाई, लेकिन फिर भी जो समिति के जो काम होने हैं वो ही नहीं हो रहे, तो इनके 1 करोड़ के वादे तो पता ही है कितने झूठे वादे करते हैं। और पहली मीटिंग में हमारी जो मार्च में मीटिंग हुई थी उसमें ये प्रोपेगेंडा था कि 15-15 लाख के प्रस्ताव पास हुए हैं, हर मेंबर को काम दिए जाएंगे,
उसकी मेरे पास पीडीएफ भी है, ये रही, लेकिन उस पर कोई काम नहीं हुआ अब तक। वो जो आपने लिस्ट दी थी सभी मेंबरों ने वो काम की अपने, तो कोई काम नहीं हुआ? नहीं, कोई काम नहीं हुआ। इसी तरह आप जो आए हुए उनका नहीं हुआ या किसी का नहीं हुआ? किसी का नहीं हुआ, कोई एक दो मेंबर का काम हुआ है तो उसका हमें पूरा पता नहीं है। बाकी हमारे को तो बस इतना ही काम में लेते हैं, सिर्फ मीटिंग के लिए, वो भी मीटिंग भी करते हैं तो साल में एक बार मीटिंग, हमारी सिर्फ दो ही बार हुई है, डेढ़ साल हो गया, दो मीटिंग हुई है, और वो भी साइन करवाने के लिए करते हैं, साइन करवाते हैं और बस जाओ। वहाँ भी सिर्फ ब्लॉक मेंबर की मीटिंग होती है, वहाँ भी अन्य लोग आए हुए हैं जो कोई पदाधिकारी भी नहीं है, कोई पता नहीं कौन है। और ये भी बात सामने आई है कि चेयरमैन साहब कहते हैं कि हमारे को काम करने नहीं देते, कोई एक व्यक्ति विशेष का वो नाम लेते हैं, और वो व्यक्ति विशेष कौन है, वो कोई पदाधिकारी है या कोई मिनिस्टर है, उसका हम तक पता नहीं है सर। अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती तो हमें जितने भी खिलाफ वाले हैं वो या तो इकट्ठे होकर के इस्तीफा दे दें, क्योंकि हमारे लिए तो और कोई चारा ही नहीं है, अब तो इस्तीफा दे दें, वीडियो को अपना सौंप दें इस्तीफा, तो उसके बाद नए चुनाव करवाएं, बस उनको दोबारा अपने झूठे वादों में उतार रखें। नाम जी भीम सिंह, गांव साढ़ेवाड़, वार्ड नंबर 24 से। मुद्दा जी काम का है, मेरे पास तीन गांव है, तीन गांव में कोई काम नहीं हो अभी तक। एक वाटर कूलर दिया है, उसका कोई सामान नहीं दिया, वो घर पे पड़े दो साल हो गए। नाम संजीव कुमार है जी, गांव जोध का। क्या मुद्दा है, किस लिए आप इकट्ठे हुए हैं आप? हम जी ब्लॉक मेंबर यहाँ इकट्ठे हुए थे, काम हमारे नहीं हुए, यही मुद्दा था हमारा कि काम हमारा पूरा हो, ये काम नहीं हो रहा जी। तो काम का आपने कोई डिमांड दी है या? डिमांड कई बार दे दिया है, कोई सुनाई नहीं हो रही, कह रहे हैं 10 दिन में, 5 दिन में, कोई सुनाई नहीं हो रही जी।